नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो गई। झारखंड और बिहार में छठ पूजा को लेकर जारी दिशा निर्देशों के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से छठ महापर्व को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइंस में बताया गया है कि छठ पूजा के दौरान लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना होगा। इसमें प्रशासन को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। छठ महापर्व को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए सरकार ने कहा कि लोग अपने घरों या घरों के पास छठ पूजा मनाएं। पूजा के लिए नदियों और तालाबों के किनारे जिला प्रशासन द्वारा अर्घ दिए जाने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वे छठ पूजा घर पर ही मनाएं। छठ पूजा के लिए हम आपको गाइडलाइंस बताते हैं क्या है। छठ पूजा स्थल पर महिलाओं के लिए चेंज रूम बनाए जाएंगे। पूजा स्थल पर डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस तैनात रहेगी। तालाबों के किनारे साफ सफाई सुनिश्चित के निर्देश होंगे। नदी तालाब के किनारे पब्लिक एंट्रेंस सिस्टम लगाया जाएगा। घाटों में पानी के बहाव की समुचित व्यवस्था की जाएगी। पूजा कार्यक्रम के आयोजकों संग मिलकर प्रशासन जरूरी इंतजाम करेंगे। नदी तालाबों के किनारे शौचालय व्यवस्था की जाएगी। छठ पूजा स्थल पर 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। पूजा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी भी तैनात होंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच छठ पूजा मनाने के लिए गोमती नदी के तट पर सभी तैयारियां की जा रही। लखनऊ अपर नगर आयुक्त अर्चना द्विवेदी ने कहा, यहां तट पर नई वेदियां बनाई जा रही, साथ ही नगर निगम स्वच्छता का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार कम भीड़ होगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।